हर छोटे बड़े अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें हापुड़ हलचल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हेलो आदाब, नमस्कार, मैं हूँ हफ्साबानो सिद्दीकी। आज हम वर्ल्ड बाइसिकल यानी साइकिल डे पर आपको ऐसी जानकारी देने जा रहे हैं जो शायद आप आज से पहले ना जानते हों। हम एक ऐसे देश के बारे में बताने जा रहे हैं जहाँ साइकिलें राज करती हैं, और तो और यहाँ के प्रधानमंत्री भी अपने ऑफिस साइकिल से ही जाते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे और पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और फौरन हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दरअसल भारत में सड़कों पर साइकिल से चलना जोखिम भरा काम होता जा रहा है। यूं भी अब सड़कों पर साइकिलें कम ही नज़र आती हैं, हालांकि देश के छोटे शहरों और कस्बों गांवों में आज भी कुछ लोग साइकिल का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन प्रदूषित होते वातावरण के बीच लगातार ये आवाज़ भी उठ रही है कि अब इस तरह के नियम बनने चाहिए कि लोग साइकिल से चलना फिर से शुरू कर दें। ये सेहतमंद भी है और पर्यावरण के लिए बेहतर भी। दुनिया में एक ऐसा देश भी है जहाँ साइकिलें राज करती हैं, सड़कों पर पहला अधिकार हक उन्हीं का होता है, यहाँ तक कि वहाँ के प्रधानमंत्री अपने ऑफिस साइकिल से ही जाते हैं। जी हाँ, ये कहना गलत नहीं होगा कि नीदरलैंड के एमस्टर्डम में साइकिलिस्ट ही राज करते हैं। उनकी ज़रूरतें पूरी करने के लिए शहर ने खूब काम किया है। एमस्टर्डम में साइकिल इतनी पॉपुलर है कि नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रूट भी साइकिल से ही संसद और ऑफिस जाते हैं। एमस्टर्डम शहर के रिंग रोड पर लेन साइकिल वालों के लिए बहुत बड़ा नेटवर्क से लैस है। ये इतना सुरक्षित और आरामदायक है कि बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक साइकिल को ही अपने साधन के रूप में उपयोग करते हैं। साइकिल चलाने का ये कल्चर केवल एमस्टर्डम नहीं बल्कि सभी डच शहरों में है। डच लोग साइकिल चलाने को अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं। अक्सर मजाक में कहते हैं कि साइकिलें धरती पर समय की शुरुआत से ही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। 1950 और 60 के दशक में कारों की संख्या एमस्टर्डम और दूसरे शहरों में लगातार बढ़ रही थी। तब वहां साइकिलें चलने वालों को खतरा था कि ऐसा हुआ तो सड़कों पर कारों का ही कब्जा होगा, जिसके बाद साइकिलों को लेकर लोगों ने लगातार सामाजिक और न्यायिक सक्रियता दिखाई। ये ध्यान रखा कि चाहे जितनी कारें बढ़े लेकिन साइकिलों के लिए जगह रहनी चाहिए, जिसके बाद 70 के दशक में किए गए इन्हीं प्रयासों से सरकारों को सड़कों की बनावट और पैदल चलने के लिए फुटपाथ बनाने पर ध्यान देना पड़ा। आज नीदरलैंड का एमस्टर्डम शहर दुनिया में साइकिल की राजधानी बन गया है। दोस्तों, हर साल 3 जून को अंतर्राष्ट्रीय विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। लोगों को प्रेरित किया जाता है कि आसपास की दूरी तय करने के लिए साइकिल का ही इस्तेमाल करें। कितना अच्छा हो अगर भारत में भी लोग इस बात को सीरियस लें और साइकिल का इस्तेमाल बढ़ा दें। यह हेल्थ और पर्यावरण के लिए तो अच्छा है ही, साथ ही बेहद सस्ता और कारगर साधन है। धन्यवाद। हर छोटे बड़े अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें हापुड़ हलचल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें।